ये बंदे ने बिल्कुल देखो सच बता रहा है। अब ये कनाडा रहता है कि नहीं रहता, मतलब मोस्टली रहते हैं, मान के चलो रहता ही होगा, तभी बता रहा है। बिल्कुल कनाडा में ऐसी है, ऑस्ट्रेलिया में ऐसी है, और यूएसए में भी ऐसी है। आपको झाड़ू पोछा स्किल चाहिए यहाँ पे, कोई और स्किल नहीं चाहिए। झाड़ू पोछा कर सकते हो तो आराम से $10 पर मंथ पर पर्सन बना सकते हो। यस, 50 घंटे काम करके बड़े आराम से बना सकते हो। यहाँ पे बहुत तनख्वाह ऐसे लोगों की यहाँ, और अच्छा यही काम है यहाँ पे रह गया। ये बच्चे ने पता नहीं बोला नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, जो काम ऑनलाइन हो सकता है, जो काम ऑफिस का काम है ना, वो धीरे 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 पार्सल होकर इंडिया जा रहा है, चला गया है, बहुत सारा चला भी गया। जो आपको पता है आईटी की जॉब्स ही नहीं गई हैं, पीपीओ के थ्रू डेस्क जॉब्स काफी चली गई पेपर वर्क करने वाली। मेरे को एक सिचुएशन याद है कि एक बंदा हमारा दोस्त इंडिया से आया, वो वहां पे मेडिकल बिलर था। तो उसने बोला यार मैं तो मेडिकल बिलिंग फील्ड में ही रहूंगा, अपना मेडिकल फिलिंग फील्ड में, यहाँ पे सुना सैलरियां बड़ी है। तो अगर दोगुना सैलरी है तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, दुगनी सैलरी दिगनी सैलरी, कम से कम 20 गुना होनी चाहिए तो जस्टिफाई द सेम लाइफस्टाइल। तो यहाँ पे तो सैलरी में आप कुछ भी नहीं ले पाएंगे। तो उसने देखा कि वो तो मतलब बड़ी पिन्यूरियस, बड़ी पॉवर्टी वाली लाइफ जी रहा है। तो उसने फिर पूछा भी क्या करें। मैं कहा भैया झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह ऐसा कुछ काम पकड़ो, यहाँ पे यही काम है जो इंडिया नहीं जा सके और यहाँ पे रह गया, ठीक है ना। तो क्या ये स्किल्स का हो गया, बिल्कुल ये लिटरल जो बंदे ने बोला बिल्कुल सही कह रहा है, यही स्किल्स है इस कंट्री के अंदर। अगर आपके पास ये स्किल्स है ना, अपने घर के काम की नहीं बात कर रहा, सबवे वगैरह सब जगह पर सबवे बनाने वाला बंदा नहीं मिल रहा तो उसे सबवे, तो सारी चीजों के लिए यही बंदा चाहिए, यही चीजें चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। अगला जो हो गया, अगली बात हम कर लेते हैं, ठीक है। तो उसने बोला कि घर का नौकर सारे घर में सारे लगे रहना पड़ता है, अपना काम भी करना पड़ता है, सारा दिन लगे रहना पड़ता है, अपना ड्राइवर भी आप ही हो, देखो अभी भी ड्राइव कर रहा हूँ मैं, मतलब आंटी जी को लेने जा रहा हूँ, जो मतलब थोड़ा मैंने आपको बताया, मैं उनका मतलब उनका रिस्पेक्टफुली आंटी जी ही बोलते हैं हमेशा से, और हम यही रखेंगे और यही मेरे अंदर है, क्योंकि हम उनको दीदी आंटी बोलते हैं, जो दीदी हैं जो हमारे, उनको लेने जा रहा हूँ मैं, अब वो आएंगी तो खाना वाना बनेगा सारा, तो इसलिए मैं लेने जा रहा हूँ, ठीक है। सो ये सारा इस कंट्री के अंदर है, जो लोग नहीं समझ पा रहे, जो लोग क्लास वन है अमेरिका में, इंडिया में, उनको तो यहाँ पे भाग के, उनको कभी भी यहाँ पे नहीं आना चाहिए, और क्लास थ्री और फोर को यहाँ पे सोचना भी नहीं चाहिए, भाग के आ जाना चाहिए। और अगर मुझे आप देश दे दो, मैंने बड़ी बार बताया, मैं फॉर्मूले एज ए फॉर्मूला उनको अमेरिका भेजूंगा और मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना। सो ये हो गया कि अगर आपने लोगों को करना है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो सी चीज है ना, मतलब कि राइट, तो ये बिल्कुल सही कह रहा बंदा, बातें सारी बातें बिल्कुल ऐसा ही है। इस देश में ऐसे ऐसे ही स्किल्स चाहिए बस, अब राइट। ऐसे बड़े सारे इंसिडेंट्स, एक बंदी थी वो इंडिया में ना साइकेट्री की क्लास वगैरह लेती थी, क्या बोलते हैं, साइकोथेरेपी की क्लासेस लेती थी, हाँ क्या बोलते हैं, सेशंस लेती थी। तो उसने मुझे क्या कि मैं तो साइकोथेरेपिस्ट, इंडिया में बहुत बढ़िया काम करती। मैं कहता हूँ साइकोथेरेपी का जो सेशन आप ऑनलाइन ले सकते हो ना, तो यहाँ पे जो इन पर्सन सेशन देने वाला काम है वो है, पर उसके लिए फिर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, यहाँ पे बहुत कुछ करना पड़ेगा, यहाँ की सर्टिफिकेशन लेनी पड़ेंगी। जितनी सारी अनरेगुलेटेड मार्केट थी वो इंडिया चली गई है, जो ऑनलाइन कर लेते हैं लोग ऑनलाइन वो इंडिया चली गई है, जो रेगुलेटेड मार्केट है फिर यहाँ पे है वो, तो रेगुलेटेड जो मार्केट है वो यहाँ पे है, फिर उसके लिए आपको उस हिसाब से तैयारियां करनी पड़ेंगी। मैंने कहा आप देख लो, अगर आपने करना है तो परस्यू टू मच वर्क। तो वो कहती है यार इंडिया में तो हम आराम से देते थे ऐसे। मैं कहा तो फिर इंडिया जाके दे दो। यहाँ पे तो ये वाला काम नहीं रहा, यहाँ पे तो आपको सबवे के अंदर, गैस स्टेशन के अंदर यू हैव टू स्टैंड देयर एंड यू नो, गैस स्टेशन में जो सर्वर का काम करते हैं वो सारा रहेगा, और रेस्टोरेंट के अंदर वेटर का काम है वो रह गया, वो नहीं जा रहा इंडिया, तो बस वो रह गए काम, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं।